अस्सलामुअलैकुम। इन इफेक्ट 1997 के कल चार सेक्शन पढ़े थे, तो उससे आगे आज पढ़ेंगे। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 5, फंक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स के फंक्शन, फोर्स के क्या काम है? इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल ऑफेंस। के इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूट यानी कि अदालत में उनको पेश करेगी सारे क्राइम जो कि रिलेटेड हैं मनशियात की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग यानी कि मनशियात के रिलेटेड उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी स्मगलिंग तक जितने भी जुर्म हैं उनकी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद ट्रैक एंड फ्रीज एसेट, और ये इसके बाद ये एसेट को फ्रीज करेंगे यानी कि जो भी एसेट जो कि मनशियात के पैसे से बनाए हो उनको ये ट्रैक करेंगे और उनको फ्रीज कर सकते हैं यानी कि उनको ढूंढने और उनको गवर्नमेंट के उस जुमरे में जब्त कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा, प्रोवाइड एसेस टू अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये है कि दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि पुलिस, FIA, लेवीज, ये सारों को ये मदद फ्राहम कर सकते हैं ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। उससे आगे है मेंटेन लियंस विद इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल यानी कि जितने भी आलमी मनशियात के रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स और इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप जो भी होगी तो वो ANFE अरेंज करेगी और उनके साथ बातचीत करेगी। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन दिस प्रोजेक्ट एंड स्कीम फॉर लेमिनेटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी कल्टीवेशन। इसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन को रोकने के लिए जो हो सकेगा वो करेगी। परफॉर्म कोई भी अदर यानी कि ये है कि कोई भी और फंक्शन जो कि फेडरल गवर्नमेंट ANF को देती है तो वो करेगी। जैसे कि अभी ANF को मिला है कि ANF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद है सेक्शन 6। सेक्शन 6 है पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स, कि जो इस फोर्स के मेंबर हैं उनकी पावर क्या है। तो ये सबसे पहले कोई भी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और किसी को पकड़ सकते हैं, किसी जगह की तलाश ले सकते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, ये आप याद रखें। दूसरा है डायरेक्टर जनरल यानी कि DG के ऑर्डर पे, DG को कोई भी ऑर्डर मिलता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो नीचे अपने स्टाफ को कहते हैं, तो वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक यानी कि इससे नीचे रैंक का बंदा ना हो, वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, किसी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, किसी को गिरफ्तार कर सकता है जब वो स्पेशल ऑर्डर हो ऊपर से। तो ये 2 इम्पोर्टेंट्स थे, तो ये आप याद रखें। इसमें बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। के सारे मेंबर एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री स्टाफ यानी कि जो मिनिस्ट्री का स्टाफ है उसके बगैर जितने भी ANF के मेंबरान होंगे वो वर्दी पहनेंगे जो कि बनाई गई होगी महकमे की एक SOPs के थ्रू। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट ANF एक्ट में 2 किस्म की दी हुई है, एक माइनर एक मेजर। माइनर में है कंश्योर यानी कि ये डांट सकते हैं। उसके बाद है फॉर्चून ऑफ अप्रूव्ड सर्विस अप टू यानी कि 2 साल आपकी मुलाजमत के काट सकते हैं जो कि आपने पहले की हो। इसके अलावा विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन 1 साल, 1 साल तक आपकी जो प्रमोशन है वो रोक सकते हैं। इंक्रीमेंट रोक सकते हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा ना हो और उसका ओवरऑल इफेक्ट ना हो। फाइन टू एनी अदर एक्यूज एक्सीड 1 मंथ पे, कोई भी फाइन करते हैं जो 1 महीने की तनख्वाह से कम हो।
और इसके अलावा आपको क्वार्टर गार्ड कर सकते हैं, ये सिर्फ कानून में है। ये बाकी ये वाले जो है ना, ये सिर्फ कानून में है, ये देते नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। उसके बाद है मेजर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट क्या है? मेजर पनिशमेंट ये है कि रिडक्शन इन रैंक, आपके रैंक को कम कर सकते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट, आपको जबरी रिटायर कर सकते हैं। रिमूव फ्रॉम सर्विस, आपको यानी कि नौकरी से फारिग कर सकते हैं और आपको कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखें। आगे सेक्शन नंबर 9 है कि किस बेस पे आपको सजा हो सकती है। इनएफिशियंट आर हैज काज टू बी एफिशियंट, यानी कि आपकी एफिशिएंसी नहीं है, यानी कि आप कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते, और या आप गिल्टी या मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आपने कोई यानी कि गलत काम किया है, जैसे कि करप्शन या कोई भी इस तरह का, या किसी समगलर को सपोर्ट करना उसको, या कोई भी मंशियात रिलेटेड एक्टिविटी में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये सज़ा दी जाती है। उसके बाद है सेक्शन 10, अथॉरिटी टू रिवार्ड पनिशमेंट। ये कौन दे सकता है? तो ये एक शेड्यूल है, उसमें दी हुई है कि कौन सी सज़ा कौन सा ऑफिसर किस ऑफिसर को दे सकता है, तो ये बाद में पढ़ेंगे एंड पे, फिलहाल आप याद रखें बस। उसके बाद है टर्म ऑफ सर्विस की, मुलाजमत की क्या शरायत होंगी। ऑल पर्सनल अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड देयर इक्विवेलेंट इन द मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ द फोर्स में इलेक्ट टू गवर्न बाय एग्जिस्टिंग टर्म ऑफ पेमेंट, यानी कि ये जो कानून होता है इसके मुताबिक होगी कि 25 साल इसकी होती है सर्विस होती है, तो वो लाजमी होती है अगर आपने पेंशन जाना है तो। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, तो ये कंडक्ट एंड डिसिप्लिन के लिए पुलिस एक्ट 8061 लागू होता है, ENF पे भी। इसके अलावा पंजाब पुलिस एफिशिएंसी जो एक्ट है वो भी इस पे लागू होता है, तो ये भी आप याद रखें। मेंबर टू सर्व एनीवेयर, ये वो लॉ है जिसके थ्रू एक मेंबर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सर्व करते, यानी कि ड्यूटीज़ पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हों आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी। मेंबर एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द फोर्स, डिप्टी, यानी कि ऑल डायरेक्टर जितने भी इसके डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सारे पब्लिक एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, और किसी भी एक स्पेशल कोर्ट में ट्रायल में वो एज अ वकील पेश हो सकते हैं, तो ये इस कानून में दिया गया है। डेलीगेशन ऑफ पावर, तो इसमें DG अपनी पावर किसी भी ऑफिसर को दे सकता है जो कि कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का बंदा हो। उसके बाद है इंडेमनिटी, ये माफ़ी तलाफी की, अगर कोई आपसे गलती हो जाती है जो कि आपने जानबूझ के ना की हो, तो वो उसकी माफ़ी तलाफी इस रूल के तहत होगी। और उसके आखिरी सेक्शन है पावर टू मेक रूल, तो पावर मेक रूल के लिए क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी एक्ट पास कर सकती है एनएफ से मुतलिक, और वो एनएफ से लागू होगा।